क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ व्हील ऑन रेड, अ व्हील ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग ऑन द रोड। कोई एक व्हील है जो आर रेडियस की इस रोड पे रोल कर रहा है, ठीक है, रोलिंग ऑन अ रोड। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी। ये रोल करता हुआ एक व्हील है, इस पे कोई एक पॉइंट पी है, जब ये व्हील रोल करता है तो रोलिंग की ड्यूरेशन इसका पॉइंट पी इन हाफ रोटेशन ऑफ व्हील ऑन द रोड शोन इन फिगर। मतलब क्या है, कोई एक व्हील है कि कह रहा है ए व्हील ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग ऑन द रोड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी इन हाफ रोटेशन ऑफ द व्हील ऑन द रोड। मान लो कोई एक व्हील है, ये व्हील रोड पे रोल कर रहा है, किसी इंस्टेंट में देखा गया इसका पॉइंट पे यहाँ पी यहाँ था, जब ये व्हील हाफ रोटेशन रोल कर गया तो ये पॉइंट पी यहाँ कुछ चला गया, ठीक है। मतलब यही व्हील है, ये अलग अलग व्हील नहीं है, व्हील वही है, जब ये रोटेट कर रहा था मतलब ये घूम रहा था तो कुछ ऐसा घूमा कि ये पॉइंट पी क्या हुआ वहाँ चला गया हाफ रोटेशन में। तो अब पूछ रहा है इस पॉइंट पी का यहाँ से लेके यहाँ तक जब पहुँचा है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ रहेगा, बता सकते हैं। तो चलिए आई भी सभी तक सॉल्यूशन हो गया होगा, तो देखते हैं। ऑप्शन याद रखा है, पहला आर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस का 6, ऑप्शन नंबर बी आर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस का 4, ऑप्शन नंबर सी आर रूट पाई स्क्वायर रूट सॉरी इसको सी स्क्वायर दिया आर रूट ऑफ रूट पाई स्क्वायर प्लस का 4, एंड डी दिया है रूट रूट आर बाई लॉग पाई क्यूब। तो इस तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आइए देखते हैं। तो ऑप्शन को मैं मिटा सकता हूँ, मिटा दूँ ऑप्शन, ऑप्शन तो रट गया होगा, सॉल्व करने की जगह चाहिए क्या इसके। बात क्या है कि मान लो इस पॉइंट पी को तुम पकड़ लो, ठीक है, जब ये, अब पहली बात हमको क्या पता करना है, डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो पहला काम कि हमारा उस एरो कहाँ होना चाहिए, इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो यही हमारा पॉइंट पी पहले यहाँ था, अब कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, एरो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब बात आई कि हमको क्या पता चल गया, हमको एक चीज़ पता चल गया है, अगर ये आर है तो भाई ये पूरा कितना हो जाएगा, आर आर ये पूरा हो जाएगा 2R, अरे पूरा हो जाएगा 2R, हाँ रेडियस आर है तो पूरा 2R डायमीटर। बात आया नीचे वाला कैसे पता करेंगे, तो नीचे वाला पता करने का तरीका है, अगर ये व्हील ध्यान दो, अगर ये व्हील P वाला पॉइंट में जो यहाँ है, ये व्हील में जो पॉइंट P अगर पूरा घूम के वापस यहीं पे आ जाता तो क्या चलता, एक कंप्लीट घूम जाता, एक कंप्लीट रोटेशन, और कंप्लीट रोटेशन में जो पूरा सरकमफेरेंस पाई आर नहीं लेके 2π लेते हैं, ध्यान दो, जब पूरा घूमता व्हील तो ये पॉइंट P घूम के वापस यहीं पे आ जाता, तो जब वापस घूम के यहीं पे आ जाता ये पॉइंट P, तो यानी कि ये पूरा डिस्टेंस घूम के जाता कितना 2π आर जाता, बट ये पूरा घूमा नहीं है, ये तो कितना गया, हाफ ही रोटेशन गया, क्वेश्चन में बता रखा है कि हाफ रोटेशन, मतलब कि आधा रोटेशन गया है। तो यानी कि आपका इस पॉइंट पे कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा है, इसका मतलब क्या है कि व्हील देखो ये वाला ऐसे देखो यहाँ घूमा है, ये व्हील क्या हो रहा है ऐसे घूम रहा है, घूमते हुए ऐसे पहुँच गया, मतलब क्या हुआ कि इसने इतना डिस्टेंस चला यानी कि पाई आर के इक्वल चला है। तो यानी कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा पाई आर। अब बचा पाइथागोरस थ्योरम, है पाइथागोरस थ्योरम, अगर पूरा घूम जाता 2π हो जाता, पाइयर बता दे पूरा, देखो अगर ये बिल घूमता पूरा, मतलब कि ये बिल मान लो पूरा घूम जाता तो ये वाला पॉइंट पी कहाँ आता, यहाँ जाता, तो ये पूरा आ जाता क्या तुम्हारा 2π आता, 2π हो जाता, बट ये बिल पूरा तो घूमा नहीं है, घूमा आधा है, तो फिर रिवाइंड करके वापस जाओ इस पॉइंट पी को, वहाँ ले जाओ आधा पे, ये भी आधा कर दो, पाइयर हो गया, ठीक है। अच्छा इसका क्या रूट करोगे, रूट क्या होगा पाई आर का स्क्वायर प्लस का 2R का स्क्वायर, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इसको शुरू आ जाएगा तुम्हारा अंडर रूट में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का 4R स्क्वायर, अंडर रूट में कॉमन क्या आएगा R स्क्वायर आएगा, अंदर बचा पाई स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, ये तो होगा 4 स्क्वायर नहीं 4 होगा, सॉरी 4 होगा क्योंकि 2 जब 4 होता है, ठीक है। अब क्या बचा रूट से बाहर निकाल सकता हूँ और को आर, और रूट में क्या आ जाएगा तुम्हारा पाई स्क्वायर प्लस का 4, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या था, यही था ना, तो ये तुम्हारा रहेगा डिस्प्लेसमेंट का आंसर कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा आर रूट का पाई स्क्वायर प्लस का 4, ये तुम्हारा हो जाएगा रोटेशन। हाँ, और इसका अलग टेक्निक मेथड जो मतलब कि कैसे 2πr से πr हुआ इसको समझाना चाहेंगे, आदित्य जी आ रहे हैं, आइए सर, अरे आ जाइए, अरे आ जाइए, आइए कैमरे के सामने आया कीजिए, लीजिए माइक लीजिए और लोगों को समझाइए, अपने ज्ञान को बांटिए, ज्ञान बांटने से नहीं शर्माना चाहिए, तो लीजिए आ रहे हैं आदित्य सर, क्या समझाएंगे, ऐसे पकड़ के आप समझा सकते हैं ऐसे मैथ वाला मैथ।
अरे एक एक बार में कोई मान लीजिए कोई भैया बोले कि यहाँ से थी मतलब कि यहाँ से घूमा और अगली बार मतलब जब ये घूमेगा ये पहिया तो ऐसे घूमेगा थोड़ा मतलब आगे बढ़ेगा लेकिन ये यहाँ से दूसरी बार ये यहाँ पे आ जा रही है तो यहाँ पे मतलब कि डिस्टेंस जितना कवर करेगी रोटेशन में वो अपने सर्कमफेरेंस के जितना कवर करेगी लेकिन यहाँ पे तो ये सर्कमफेरेंस का आधा हो रहा है मतलब यानी डिस्टेंस सर अपने सर्कमफेरेंस का आधा कवर करेगी तो यानी कि अब हमको पता है कि इसका रेडियस आर है और हम और यहाँ से हमको यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो ये सेम पहिया तो इधर भी सेम पहिया ही है यानी कि इसका भी मतलब इसका भी जो वो होगा क्या कहते हैं रेडियस होगा वो भी आर ही होगा लेकिन अब हमको पता हमको रेडियस से कोई मतलब नहीं अब हमको चाहिए मतलब ये पूरा डिस्टेंस चाहिए अगर हमको वेक्टर वाला लॉ लगा के पूरा मतलब ये हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट हमको ये पूरा चाहिए ये आर है तो इसका डायमीटर होगा ये पूरा 2R हो जाएगा हमको पता करना है ये डिस्टेंस है मतलब कि ये सर्कमफेरेंस का आधा जितना चला तो इस पूरे में ये 2πr चलेगा 2πr अपने सर्कमफेरेंस से इतना लेकिन आधे में मतलब कि आधा ही चला है ये तो आधे में ये अपॉन 2 यानी πr बस चलेगा और उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा बस बस और मैं देहाती मेथड से बता दूँ आपको एक देहाती मेथड मेरे पास याद आ गया बहुत दिन बाद फॉर्म था गया सबसे देहाती मेथड एट लास्ट वेरी गुड सर देखिए अगर मेरे पास कोई सर्कल है देखिए ध्यान से आप ही समझ दिया मेथड मान लीजिए मेरे पास कोई सर्कल ठीक है ये अगर मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ पॉइंट ए से चला पूरा घूमते घूमते अगर सर्कल ए पे वापस आ गया ये नो डाउट मैं ए से ए पे आया वापस तो 2πr चला होगा ये कोई डाउट है अगर मैं क्या करता हूँ इस सर्कल में तोड़ देता हूँ तोड़ जैसे चार दूँ लंबा सा मतलब एक रास्ता बना दूँ मतलब कि ये सर्कुलर वायर बनाया हुआ था उसको काट के लीनियर वायर बना देता हूँ तो अगर सर्कुलर में इसका पूरा डिस्टेंस 2πr आ रहा होगा तो लीनियर करने में तो 2πr आएगा आएगा नहीं आएगा यानी कि अगर घूम के वहीं पर आ जाता हूँ मान लीजिए मैं यहाँ से चलना शुरू किया ध्यान दीजिए यहाँ से चलना शुरू किया यहाँ से ए से मतलब पॉइंट उस समय था पी था ना पॉइंट पी था तो अगर पूरा कितना था तुम्हारा 2πr था अगर मैं इसको वापस खोल देता तुम्हारा यहाँ तक अगर मैं यहाँ से चलना शुरू किया ए से ठीक है और पूरा चलते चलते मतलब कहाँ पे आ गया वापस ए पे तुम्हारा आ गया मतलब अगर इसको उठाऊँ ऐसे अच्छा तो मिला दूँ तो पूरा हमारा डिस्टेंस कितना रहेगा 2πr ही रहेगा बट इस बार क्या हुआ है कि मैं यहाँ से देखो यहाँ से चला तो बट हमको यहीं पे रोक लिया गया कहाँ रोक लिया गया यहीं पे रोक लिया गया मतलब कि मुझे इतना डिस्टेंस चलने ही नहीं दिया गया सर्किल में मुझे कहाँ से इस पीप से हम चले हम जैसे यहाँ तक पहुँचे थे कि यहाँ तक हम आए हमको यहीं पे रोक लिया गया आप इतना मिटा दीजिए आपके पास कितना बचा अगर आप इतने को खोलेंगे ना तो आपको आधा आएगा πr आ जाएगा इसी में सब कंफ्यूज हो गए कैसे आ रहा है अच्छा वापस अगर मैं 2πr का रॉड अगर मैं यहाँ तक कर लूँ भाई अगर वापस इसको मिला दूँ ऐसे तुम्हारा 2πr नहीं बन जाएगा और आधा काट दूँ तो तुम्हारा क्या बन जाएगा πr बन जाएगा यही कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे πr क्यों आया ओके तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आज का क्लास यहीं तक रहता है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट एनर्जी के साथ बाय बाय।